हेलो दोस्तों, एफ एल डॉट कॉम में मनोज आर्टिस्ट आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हों, शुरू से हमने प्ले मॉडलिंग का एक कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसमें हम बिगिनिंग से सिखा रहे हैं। जितने भी बिगिनर हैं जो फ्यूचर में प्ले मॉडलिंग करना चाहते हैं, या एज ए आर्टिस्ट आप प्ले मॉडलिंग करोगे फ्यूचर में, फाइन आर्ट कॉलेज भी जाना चाहो, अगर आप ग्रेजुएशन करना है या मास्टर करना है, तो आप अगर बेसिक अगर अच्छा रहेगा तो आपको इजीली किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। जितने भी आर्ट कॉलेज हैं, चाहे आउट ऑफ स्टेट हो या आउट ऑफ कंट्री हो, अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप उस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप आराम इजीली आप इंटर कर सकते हो किसी भी कॉलेज में, बट बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो हमारा जो ये कोर्स है, इसमें हम बेसिक चीज़ें बताते हैं, उसके बाद हम एडवांस कोर्स भी शुरू करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा अभी आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा जो एफ एल पर जो हमारे एक यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर आप सिर्फ प्ले मॉडलिंग ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमने क्राफ्टिंग कुछ क्लासेस एड करी हुई है। इसमें जाके आप अगर चेक करोगे वहाँ पर, तो अगर चैनल में जाके अगर आप वीडियो में चेक करना, तो वहाँ पर क्राफ्ट से रिलेटेड एक अलग से हमने कोर्स शुरू किया हुआ है, जहाँ पर आप अगर चाहो तो पेपर क्राफ्ट वगैरह, ये ड्रेस मटेरियल से कैसे क्राफ्ट करना, ये सब आप इजीली सीख सकते हो अपने घर पर। इसके अलावा जो आप प्ले मॉडलिंग तो सीख ही रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है आपके किसी भी फ्रेंड का या आपके ब्रदर सिस्टर जिसका किसी भी अगर पेपर क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल पर दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में तो आपको पता ही, हम प्ले मॉडलिंग के ऊपर ही काम करते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने जो अभी हमारा चल रहा था बेसिक कोर्स, जिसमें हमने 3D मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, और उसमें कुछ कुछ अलग अलग टेक्निक से मैंने कुछ प्रोसेस बताया था, जिसमें पेंसिल मेथड था, पॉइंट मेथड, स्लैब मेथड, ऐसे करके कुछ अलग अलग प्रोसेस थे। तो हमने हर एक मेथड को अलग अलग ऑब्जेक्ट हर एक मेथड में हर एक टेक्निक में हमने कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए थे। आज मैं फिर से कॉइल मेथड ही लूँगा, बट इस कॉइल मेथड को यूज़ करके मैं कुछ अलग कोड बनाने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊंगा कैसे। एक प्रोसेस है जो काफ़ी फेमस है हम कुछ कुछ स्टेट में, कुछ कुछ कंट्री में भी, जिसके हम मतलब उसमें आप ट्वीट कर करके, मतलब कि जो मिट्टी कॉयल होता है उसे आपस में जोड़ते हो, और जोड़ जोड़ के आप उससे कोड बनाना शुरू करते हैं। और कोड आपने देखो अगर मटकी बनाते हैं, वो वेदर कंडीशन के हिसाब से देखोगे, तो यहाँ पर अगर इंडिया की हम बात करें तो राजस्थान, गुजरात, बिहार और झारखंड जैसे महाराष्ट्र हो गया, ऐसी जगहों पर अगर आप देखोगे तो व्हील पे तो आपने देखे हैं वो मटके बनते हुए, बट वो मैनुअली बनाने का एक टेक्निक है, जिसमें वो छोटे छोटे कॉइल जैसा ऐड करते जाएंगे और उसको धीरे धीरे उसको फॉर्म देते हैं, बूट कर करके उसको ऊपर से लकड़ी से उसे मारते हैं धीरे धीरे और उसको शेप देते हैं। तो अभी आपको अगर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा आपको, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि हम सेम कॉइल मेथड को यूज़ करेंगे उस प्रोसेस को बनाने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मज़े करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉइल बनाने स्टार्ट करेंगे। कॉइल बनाना आप सीख चुके हो पहले, हमारे प्रीवियस वीडियो में जब हमने पिन से कॉइल मेथड स्टार्ट किया था, तो उस समय हमने पहले कॉइल बनाई थी। तो कॉइल मेथड आप और भी अच्छे से समझ और अच्छे से देख सकते हो कैसे बना सकते हो आप। यहाँ पर हम ज़्यादा उसका साइज़ ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, हम नॉर्मल साइज़ रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है, टेक्निक सेम है, मतलब कि स्टाइल सेम है, थोड़ा सा हमने यूज़ कॉइल करेंगे बट हमारा प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रोसेस को शुरू करते हैं। हमारी आप ये कॉइल देख सकते हैं, हमने बना के रेडी कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप पहले से एडवांस बना के रखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा प्रोसेस, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है ना, क्योंकि आपकी पहले की मिट्टी ड्राई हो चुकी है और फिर आप स्टार जब तक आप बनाते हैं तब तक दूसरी मिट्टी ड्राई हो जाए,
तो एक रिदम बना के रखना है आपको, ताकि आपकी जो जो रिदम है वो नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए आप एडवांस में चीज़ें तैयार करके रखो, तो आप वो ईजिली आप एक प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे एक बारी में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेस से। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कनकेव वाला शेप है, तो हमने जो हम बनाने वाले हैं पोर्ट, उसका जो शेप है अंदर से थोड़ा सा, जो हम मैं बनाने वाला वाटर पोर्ट, तो उसके लिए आपको सिंपल है, थोड़ा सा सर्कल चाहिए, तो सिर्फ सर्कल बनाने के लिए ऐसी सरफेस का यूज़ करते हैं। एक्चुअली वो जो ट्रेडिशनल जो प्रोसेस है उसमें वो एक हाफ मटके का टुकड़ा रखते हैं पहले से बना के, तो अभी हमारे पास कोई छोटा है नहीं, क्योंकि अभी हम स्टार्ट हम बनाए रहे हैं, उससे क्रिएट ही कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मेरे पास ये बनाया था मैंने पहले स्लेव मेथड से, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर पूरा शेप वही है, अगर इसके अंदर हम कोई शेप रखते तो पूरा मटके के अंदर हाफ शेप आप इसमें देख सकते हो, नीचे का जो पार्ट होता है यहाँ कनकेव आ गया ना, तो मैं इसके कनकेव के को अपना मटके का बेस बनाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसको प्रेस करना अच्छे से स्टेप बाई स्टेप, ताकि इसके हर तरफ से शेप मिल जाए इसको धीरे धीरे। अच्छे से प्रेस करना था कि इसके आपस में एक एक कोयल आपस में जुड़ जाए, नहीं तो ड्राई होने के बाद पता चला सब अलग अलग हो जाएगा आपका, इसलिए ये चीज़ को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देख सकते हो धीरे धीरे इसका शेप चेंज हो रहा है ना, यही प्रोसेस है। अब आप कहोगे कि आप हम इसका कैसे जुगाड़ करें, तो आप इसकी जगह पहले कोई भी ओवर शेप, जैसे होता है ना कि पुराना कोई मटका हो उसका कोई टुकड़ा हो जो ओवर शेप में नीचे से थोड़ा उसमें कर दो, वो टुकड़े के ऊपर आप रख के शेप बना सकते हैं, या अदरवाइज आप हाथ में भी रख के इसको धीरे धीरे ऐसे बीट करके बना सकते हैं, जो इसका नाम है बीटिंग प्रोसेस, इसमें उसको शेप देते हैं ऐसे बीट कर करके इसको हम शेप देते हैं अभी यहाँ पर पहले। लेकिन बेस बनाने के लिए हम सपोर्ट लेते हैं मोल्ड का, कि हमारे पास पहले से एक बना हुआ था उस टाइप से, तो हम उसी का सपोर्ट देंगे। धीरे धीरे मैं इसको शेप देना स्टार्ट करता हूँ।
ऊपर से थोड़ा शेप और ठीक कर लेते हैं और साइड से। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, इसमें हम नॉर्मली जैसे क्ले यूज़ करते हैं, क्ले मोल्डिंग की थोड़ा ज़्यादा गीली भी हो तो यूज़ कर लो, बट इसमें ध्यान रखना एक प्रॉपर एक कंडीशन है जहाँ पर आप उसी कंडीशन में काम कर सकते हैं, ज़्यादा गीली क्ले इसमें काम करने में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गीली क्ले से ज़्यादा गीली क्ले से यहाँ पर काम होगा ही नहीं। यहाँ पर एक मीडियम कंडीशन होती है उस कंडीशन में आप काम कर सकते हैं इस क्ले इस वाले प्रोसेस को अगर करना है आपको, जिसमें जो क्ले आपके ना ही हाथ में चिपके और ना ही ज़्यादा ड्राई हो और ना ही ज़्यादा गीली। इस प्रोसेस की जैसे लास्ट पिचिंग में तो हमने देखा तो हमने क्ले वाटर यूज़ कर करके इसको हमने आपस में जॉइन किया था, बट यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्ट में काम होता है, एक हमने नीचे का पार्ट बनाया बॉटम और एक हम ऊपर का टॉप का पार्ट बनाएंगे इसके बाद। पहले हम बॉटम के पार्ट का काम कर लेते हैं अच्छे से।
आपको हमेशा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो हैंडलिंग है वो इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आपका आप हाथ कैसे यूज़ कर रहे हो, जो आपका हैंडलिंग मोटर स्किल है ये हमेशा इसमें इम्प्रूव भी होगा आपका, बट आपको कंटिन्यू करते रहना है। अगर आपके हाथों में अपनी ग्रिप नहीं होगी अच्छे से तो आप शेप नहीं दे पाओगे। अभी आप देख रहे होंगे मैंने हाथ से ऑलमोस्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। तो इसमें ध्यान रखना थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है, पेशेंस ध्यान रखना और अच्छे से देख देख के करना। मिट्टी कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कंडीशन अगर ठीक नहीं होगी तो आप जल्दी से इसको शेप नहीं दे पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको मिट्टी की कंडीशन एक तो अच्छी बना के लेदर हार्ड कंडीशन रखनी है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मिट्टी देखो मैंने अगर हाथ में तो ले रहा हूँ तो ये हाथ में ही चिपक रही है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन होनी चाहिए और ऐसी ना हो कि अगर वो आप ऐसे करो तो हाथ में चिपक जाए। तो ये एक कंडीशन है, वो आप करते करते सीख जाओगे। और हम इस पर अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ ले जाते हैं, इसको ओवल शेप बनाने के लिए हमारे से यूज कर लेते हैं। ध्यान रखना जब आप बिल्डिंग प्रोसेस कर रहे हो इसमें, तो इसकी जो थिकनेस है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर थिकनेस अगर आपकी थोड़ी सी भी अप डाउन होगी तो इसमें क्रैक आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए आप देख रहे होंगे मैंने हर तरीके से इसको प्रॉपर इसको चेक कर करके मैं इसको शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसके हर तरफ से शेप तो कर रही है, साथ में उसका थिकनेस भी चेक करना है। अगर थिकनेस अनइवन रहा, कहीं पर पतला हुआ कहीं मोटा हुआ, तो बाद में क्रैक आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है।
आपको कोई भी पॉइंटेड टूल लेना है। अब इसकी सब जो ये आप देख सकते हैं सारी एज अनइवन है, अगर इसे हम रैंडमली कटिंग करेंगे तो इसका कोई वो प्रूफ नहीं है कि इक्वल कटेगी, इसका ग्राउंड लेवल ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम एक टेक्निक होती है जो रिसेंट है, बहुत पुरानी टेक्निक है, हम स्कल्पचर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं लेवल बनाने के लिए। तो लेवल के लिए हमने एक ग्राउंड लेवल पर रख दिया है, यहाँ पर लेवल एकदम इक्वल है। तो मैंने एक पॉइंटेड टूल ले लिया है, इसको एक जगह सेट करना है एक हाइट पर कि आपको कितना उसको कटिंग करना है, और समझो मुझे चाहिए उसको आपको साथ मूव करना है, ठीक है ना, ये इसमें इम्पोर्टेंट थिंग है।
जॉइंट आपको अंदर से अच्छे से करना है ताकि ये जॉइंट फूटने के सूखने के बाद उसके टूटने के चांस कम से कम होने चाहिए। आपकी प्रोसेस है इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टाइटनिंग करने की, एक जगह से कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। Thank you.
दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो बोर्ड है बन के तैयार हो चुका है, काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में, आपने देखा होगा। ये बस इतना ही है कि थोड़ा सा कोइल मेथड भी थोड़ा सिमिलर है बट इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। हमने कोइल बना के, हमने लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे कोइल वाले जो हमारे वीडियो जिसमें हमने कोइल टेक्निक से बोर्ड बनाए थे, तो वहाँ पर हमने सिर्फ कोइल को आपस में ज्वाइन किया था क्ले वाटर के जरिए। तो यहाँ पर हमने क्ले कोइल यूज़ तो किया था बट यहाँ पर हमने बीटिंग प्रोसेस यूज़ किया। बीटिंग प्रोसेस आपने देखा होगा, मैंने फिर तो आपस में ज्वाइन किया और कुछ कुछ ये हमेशा ध्यान रखो, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए सिर्फ प्रॉपर इसके ओवरशिप को चेक करने के लिए। ये अगर इसमें इक्वल चला जाता है, ऐसे फिट होता चला जाएगा, फिर जो आपको एकदम परफेक्ट सर्कल बनते जा रहा है धीरे धीरे। तो ये हमेशा एक शेप आपको साथ में रखना है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ गैप होगा तो क्योंकि उसको और जरूरत है उसको शेप देने की, तो उसको आप धीरे धीरे ऐसे शेप दे सकते हैं बिल्ड करते हैं। बट ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, स्लो स्लो करना पड़ता है, बट आप अच्छे से पाओगे तो आप बेसिक कर चुके हो तो इसमें आपको करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। बट ये प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप स्मार्टनेस को कर पाओगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट करके हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। बट ध्यान रखना है आप जैसे भी आपको सीखना है, बट कंटिन्यूटी जरूरी है। जितना आप कंटिन्यू रहोगे, जितना आप प्रोसेस सीखते कंटिन्यू करते रहोगे प्रैक्टिस, उतना आप जल्दी इम्प्रूव कर पाओगे। तो हम तो जितना हो सकता है हमारी कोशिश यही है कि आपको हर बार एक नया टेक्निक सिखाने की, हर बार एक नई टेक्निक सिखाने की मैं कोशिश करूँ जिसमें आप अलग अलग टाइप के प्रोसेस को सीखें, अलग अलग टेक्निक को सीखें, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे, ताकि आप समझ सकें कि एक ही टेक्निक से हम कितने सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।